ओके गाइस, तो फिर अब हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको जाना पड़ेगा इंटरनेट पे और फिर उधर से डाउनलोड आपको करना पड़ेगा नॉक्स प्लेयर, नॉक्स एंड्रॉयड ऐप प्लेयर। ओके, तो फिर मैंने वो पहले से ही डाउनलोड करके रखा है मेरे स्टोरेज पे। तो फिर चलिए दिखाते हैं अभी। और इधर ऐसा मिलेगा, इसका साइज तकरीबन चलिए देखते हैं 300-304 MB के तकरीबन होगा। फिर इसको डबल क्लिक करते ही आपका जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन का जो प्रोसेस है वो इंस्टॉल कर लीजिएगा। और ऐसा कुछ आएगा आपके डेस्कटॉप पे, तो फिर उसको डबल क्लिक कर लीजिए। आपका प्लेयर कुछ ऐसा उठ के आएगा, जो कि स्टार्टिंग के वक्त टाइम लगता है थोड़ा, तो फिर टाइम लगेगा। तो फिर थोड़ा चाहिए दिखाते हैं। तो फिर आप देखिए इस तरह का कुछ एंड्रॉयड लोगो आएगा पहले, और उसका डाउनलोड का जो लिंक है मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा। और ऐसा कुछ बन के आएगा आपके सामने एंड्रॉयड वाला स्क्रीन। तो फिर इसको आप कहीं भी ले जा सकते हैं, इधर या इधर। प्रेस कर दीजिए तो फिर आपके सामने ये पहला वाला कुछ आएगा। और फिर ये बिल्कुल एकदम एंड्रॉयड मोबाइल की तरह ही है। आप ये लॉन्चर को स्टार्ट कर सकते हैं, जो एंड्रॉयड वो लॉन्चर, ओरियो वाला लॉन्चर है, उसको आप चला सकते हैं इसमें। तो फिर चलिए चला के देखते हैं। ये देखिए आ चुका है अभी, बिल्कुल मोबाइल फोन की तरह। आप इसको किधर भी ले जा सकते हैं, इधर भी लगा सकते हैं, इधर भी लगा सकते हैं, इधर भी लगा सकते हैं, कहीं पर भी लगा सकते हैं। इसको आप डेस्क की तरह भी यूज कर सकते हैं, इधर मोबाइल फोन की तरह। मेनू भी आ गया है, ये देखिए व्हाट्सएप कैमरा, गूगल कैमरा, सब कुछ है इसमें। तो फिर उसको आप गूगल कैमरा की व्हाट्सएप वेरीफाई चाह रहा है अभी, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अभी इसको आप मोबाइल फ़ोन की तरह ही यूज़ कर सकते हैं आपके विंडोज 10 में और प्रीवियस वर्सन में भी ये कुछ कुछ वर्क करेगा। चलिए इसके सेटिंग्स के बारे में देखते हैं अभी। इसका नोटिफिकेशन मैंने चेक कर लिया, सेटिंग्स, ये सेटिंग हो गया ओपन। इसके स्टोरेज के बारे में देखते हैं। यहाँ इसका स्टोरेज आपका एंड्रॉयड, आपका विंडोज स्टोरेज के साथ ही लिंक होंगे और इसका रैम भी लिंक होगा। इधर आप बिल्कुल भी देख सकते हैं, इधर अवेलेबल 60 GB है, जो कि टोटल स्पेस 61 GB का है। मेरा अभी 61 GB, इधर 50 GB का वर्क होगा, ठीक है। मैं और कुछ बताना चाहता हूँ कि ये इसका जो सेटिंग्स है, सेटिंग्स पे जाके आप इसको कस्टमाइज भी कर सकते हैं अभी। तो फिर इसको रूट कर सकते हैं, इसको
लॉन्च अप स्टार्टअप, मतलब अब जब भी आपका कंप्यूटर स्टार्ट करे वो तब भी ऑन हो जाएगा, उधर भी कंप्यूटर सिस्टम ऑन होने के बाद जो कुछ एप्स में भी होता है। ओके, एंड एडवांस फीचर्स में आपको देखने मिलेंगे उसका रेजोल्यूशन, स्टार्टअप रेजोल्यूशन। मैंने उसको मोबाइल फ़ोन पर रखा है तो फिर अभी ये आ रहा है। आप उसको टैबलेट और कस्टमाइज भी कर सकते हैं। एंड इसका मेमोरी बहुत ही लो आप मेंटेनेंस कर सकते हैं इधर से, हाई लो कस्टम। एंड ग्राफिक्स मोड कंपेटेबल, ग्राफिक्स को भी चेंज कर सकते हैं। फ्रेम सेटिंग, फ्रेम सेटिंग्स का मतलब होता है कि वीडियो का क्वालिटी जो 60 FPS, 30 FPS, 50 FPS जो होता है वो भी। तो फिर इसको आप मोबाइल फ़ोन कौन सा चूज़ कर सकते हैं, इधर में कुछ दिया हुआ है आप वो चूज़ कर करके देख सकते हैं। इधर आप IMEI नंबर भी बैठा सकते हैं, आपका मोबाइल नंबर भी दे सकते हैं, इंटरनेट कनेक्शन भी अनेबल कर सकते हैं इधर से ऑन ऑफ, नेटवर्क बीच अनेबल डिसेबल कर सकते हैं। और इंटरफेस में आपको वर्चुअल बटन्स भी आपको इधर में देखने को मिलेंगे जो कि आपका इधर साइड पे है सब कुछ। एंड टेलीफोन मोड भी आप उसको कर सकते हैं। एंड शॉर्टकट सेटिंग में आपको शॉर्टकट मिलेंगे होम की, बैक की का बटन जो होता है वो, वॉल्यूम की, वॉल्यूम प्लस, वॉल्यूम माइनस की, ये सब कुछ। तो फिर बस इतना ही। अगर आपको वीडियो को अच्छा लगा और आपको आप एंड्रॉयड सिस्टम को आपके विंडोज़ पीसी में चलाना ज़रूरी हो गया होगा और ज़रूरी चलाना है, तो फिर आप इस सिस्टम को, इस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करके आप चला सकते हो बिल्कुल स्मूथली। आप पर्सनल सब कुछ भी एकदम एंड्रॉयड फ़ोन की तरह यूज़ कर सकते हैं इसको, और ये बहुत ही यूज़फुल है। मैंने ज़्यादा से ज़्यादा एंड्रॉयड लॉन्चर यूज़ करके देख लिया है कि ये सब, ये वाला सबसे अच्छा है वीडियो। अच्छा लगा तो आप सब्सक्राइब, प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, और शेयर, लाइक, कमेंट में कुछ गलती हो गई और कुछ आपको बोलना है तो फिर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं आपको ज़रूर बता।